मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दिल्ली गेट और बाग फरजाना में बाबा का बुलडोजर चला। अतिक्रमण के दौरान एक महिला ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर महिला ने विरोध किया। वहीं नगर निगम कर्मचारियों के रहवासियों से नोकझोंक भी हुई। वहीं तहसील किरावली में भी उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों साल पुराना कुआं, डेढ़ दर्जन बने अवैध मकान ध्वस्त किए गए। कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल मौके पर पहुंचे। आज थाना फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत गांव सहनपुर में ग्राम सभा की जमीनों पर से कब्जा हटवाया गया है। ये जमीन में पंचायत भवन बनना है और इसके अतिरिक्त खेल का मैदान और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। ये लगभग डेढ़ एकड़ जमीन है, जिसमें डेढ़ एकड़ ज़मीन में लोगों ने कुछ ने चार दीवारी बना के 15-16 पक्के निर्माण, भूसा गोदाम वगैरह, गाय भैंस बांधना, इस तरह के निर्माण किए हुए थे और एक पक्की दुकान थी, जिन्हें आज सबको ध्वस्त करके कब्जा मुक्त कराई गई है।